हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा लुक। ये कोई मेकअप नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा स्किन केयर है, या फिर आप आम भाषा में ये कह सकते हैं कि हम बिना मेकअप के किस तरीके से सुंदर लगे। जी हाँ, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल विदाउट एनी मेकअप प्रोडक्ट। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी स्किन को हेल्दी शो कर सकते हैं, ग्लोई शो कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेकअप करते हो मेकअप नहीं करते, खुद के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिससे कि आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से रखना है, बहुत ही अच्छे से हेल्दी वे में रखना है। तो क्या मैंने स्टेप्स किए थे वो मैं वीडियो में आपको आगे शेयर करूंगी। तो ये सब कुछ अपने ऊपर है, आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन सी स्किन आपकी है और आपके स्किन को क्या सूट करता है, सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने कुछ बेसिक स्टेप्स बताए हैं, आप उनको ध्यान में रखते हुए वो चीजें कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेस पर हम टोनर लगाएंगे जिससे हमारा फेस थोड़ा हाइड्रेट हो जाए। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए हम यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं। फेस को शेप करने के लिए कुछ इस तरीके की ब्लेड्स आती हैं, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएंगी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आती हैं। मैंने ये मिनीसो से खरीदी थी बहुत टाइम पहले, इसमें दो का सेट आया था। तो ये काफ़ी अच्छी ब्लेड्स है, विदाउट एनी डाउट आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका फेस कहीं से भी कट ना जाए, इसलिए धीरे धीरे आप उसको करें बहुत ही हल्के हाथ से, और अच्छे से इसको मॉइस्चराइज कर लें जिससे कि आपके फेस पे कोई भी कट ना लगे और फेशियल हेयर रिमूव हो जाए। आपके हेयर रिमूव के साथ साथ ही आपकी डेड स्किन भी काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी कट्स ना लगे, बहुत ही हल्के हाथ से आप इसको चलाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वॉलनट स्क्रबर। ये काफी अच्छा स्क्रबर है, काफी टाइम से मैं इसको यूज भी कर रही हूँ। बहुत ही जेंटली हमें इसे करना है। आपके स्किन पे जो भी डेड स्किन होगी और थोड़े से ब्लैक हेड्स होंगे, व्हाइट हेड्स होंगे, वो सब हट जाएंगे। रोटेशन फॉर्म में बहुत ही जेंटली हमें इसे रखना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं करना हमारी स्किन पे। हमें थोड़ा बहुत अपने लिप्स से भी इसे लगाना है बहुत ही जेंटली। मेरी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो चुकी है, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। साथ ही मैं इसको यूज करूंगी इससे फेस वॉश, अपना हिमालय प्योरीफाइंग फेस वॉश। तो अब हम अपना फाइनली स्किन केयर शुरू करने वाले हैं। तो स्किन केयर के लिए अभी मैंने अपना फेस वॉश यूज कर चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी हमारा DIY रोज टोनर। आप कोई भी टोनर, कोई भी मिस्ट यूज कर सकते हैं। अब हमें अपने हाथों को थोड़ा सा इसे वार्म करना है और अपने स्किन को इस तरीके से डैप डैप करना है जिससे कि हमारा जो टोनर है वो स्किन में अच्छे से चला जाए और हमारे जो भी पोर्स ओपन हुए थे वो सब क्लोज हो जाए। बहुत ही जेंटली करना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं करना है। अब मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि अगर मेरी स्किन पे आप देख रहे हो थोड़ा सा एक पिंपल भी आ चुका है, और वैसे भी हम कोई भी अपना फेस पे ब्लेड यूज करते हैं, शेव करते हैं, तो हमें उससे के बाद थोड़ा सा स्किन हमारी नॉर्मल हो जाए, हमारे जो भी कट्स हैं वो सब ठीक हो जाए। तो मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट यूज करती हूँ एलोवेरा जेल। तो मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर लेती हूँ, उसको थोड़ा सा लेके अपने पूरे फेस पे आपको मसाज देना है। इतनी क्वांटिटी काफी होती है इसकी, काफी कूल इफेक्ट ये दे देता है आपकी स्किन को, और बहुत ही अच्छा आपकी स्किन को एक टेक्सचर मिल जाता है। नेचुरल है तो कोई भी टेंशन नहीं है कि कौन सी स्किन टाइप को लगाना है, कौन सी को नहीं। जेंटली आपको इस तरीके से मसाज करनी है।
हमारी जो स्किन है वो हार्म ना हो यूवी रेस से, डर्ट से, पॉल्यूशन से, बहुत तरीके की रेडिएशन होती है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप ये डे टाइम में करें तो डेफिनेटली बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है ये वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन, आप कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेबी सनस्क्रीन लिया है, काफी अच्छा होता है, इसका SPF भी काफी अच्छा है। आपको जो यूज करना कम से कम 20-30 उसके अंदर होना चाहिए। स्टार्टिंग में व्हाइट कर देता है, ये लोटस का है, लेकिन ये बाद में ऑलरेडी आपके स्किन में सेटल हो जाता है। तो ये साथ ही आपके स्किन को एक बहुत अच्छा कवरेज भी देता है और प्रोटेक्ट भी करता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप कोई भी जो भी अपना सनस्क्रीन आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कम से कम उसके अंदर 20-30 SPF जरूर हो, इस चीज का आपको ध्यान रहे। अब मैं अपना यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। आप मॉइस्चराइजर के लिए अगेन कोई भी जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, जो भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइजर है वो आप ले सकते हैं। हमें कोई भी जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको हमें अच्छे से अपने स्किन में टाइम देना है, थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए 1-2 मिनट उसको देने हैं। तो इस तरीके से हमें जेंटली अपने पूरे फेस को मसाज देना है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं यहाँ पे एक और प्रोडक्ट इंक्लूड करना चाहती हूँ जिससे कि हमारी स्किन थोड़ी सी ड्यूई और थोड़ी सी मतलब शाइन करे, हमारा फेस नेचुरली इनर से ग्लो करे, इस तरीके का प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये काफी अच्छा है और आपने मेरे वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं क्या यूज करने वाली। तो फ्रेंड्स, मैं जिसकी बात कर रही थी वो है ये स्विस ब्यूटी का पल इल्यूमिनेटर। ये काफी ज्यादा अच्छा है और मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको शो भी किया है कि आप मेकअप से पहले ये जरूर लगाएं, आपको बहुत ही अच्छा है कि ग्लॉसी और ड्यूई काइंड ऑफ इफेक्ट देता है। तो जो ये मेरा शेड है ये गोल्डन पिंक है 01, काफी अच्छी इसकी पैकेजिंग भी है और काफी अच्छा ये प्रोडक्ट भी है जितना, और इसका प्राइस भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। आप इसको नायका से, इवन आप इसको पर्पल से या फिर आप स्कफ्स एंड लैशेस से परचेज कर सकते हैं, आपको और भी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा इजीली, काफी अफोर्डेबल में, आई थिंक 250 करोड़ ये मुझको पड़ा था ऑलमोस्ट। तो कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, तो हम अपने स्किन केयर के अंदर इसको जरूर इंक्लूड कर रहे हैं। लाइक दिस, इस तरीके की इसकी ये शाइन है। इसको से मैं अपने जैसे डॉट डॉट करके हर चीज लगाती हूँ, इस तरीके से लगाना है मुझे, जैसे कि मुझे इवन एक ग्लो मिल जाए, अपने पूरे फेस पे नेचुरल ग्लो मिल जाए। काफी अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ही अच्छी है। फेस पे देख रहे हो आप, मेरा एक अलग ही मुझे ग्लो मिल गया है, बहुत अच्छा एक शाइन मिल गया है, बहुत ही नेचुरल। मैं आपको ये पूरा जो भी अपना स्किन केयर आपको दिखा रही हूँ ये मैं आपको धूप में भी दिखाऊंगी कि नेचुरली कितना अच्छा शाइन करता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरी आईब्रोज अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एकदम ना के बराबर है, बहुत ही ज्यादा लाइट है। अगर आपकी हैवी ग्रोथ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मतलब गॉड गिफ्टेड है, तो मतलब समझ लीजिए बहुत ही अच्छी। बट मेरी इतनी नहीं है या मेरे से ज्यादा भी लोगों की लाइट होती है, तो आप इसको एज अ मतलब मेकअप में आप इंक्लूड मत करिए, इसको आप डेली में भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपकी किस तरीके से आपकी और हैवी हो जाए तो मैं आपको बता दूं कि आप आईब्रो पेंसिल अपनी लीजिए, उसको ऑलिव ऑयल में डिप करके रखिए रात भर, और उसको सुबह उठते ही अपने पूरे आईब्रोज पे लगा लीजिए, तो इससे आपकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ ऑफ कैमरा, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपनी आईब्रोज बहुत ही ज्यादा नेचुरल और बहुत ही ज्यादा लाइट रखी है, क्योंकि मेरी आईब्रोज जो है ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हल्की है, बहुत ही हल्के हेयर है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा करना पड़ा। बाकी आप अगर चाहते हैं ऐसे ही छोड़ना आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आपकी हैवी ग्रोथ है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले हम अपने आईलैशेस को कर्ल कर लेते हैं। या आप देख सकते हैं मेरी आईलैशेस यहाँ पे थोड़ी सी लिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे एकदम फ्लैट है, तो बहुत ही अच्छा है, ये गेम चेंजर है, आप इसको जरूर यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा आपको एक लिफ्ट प्रोवाइड कर देती है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि ये वैसलीन का छोटू सा पैक है ये मेरे पास, आप ये ले लीजिए, और इसको हमें क्या करना है कि अपनी आईब्रोज के ऊपर बहुत थोड़ा सा इसे स्मॉल सा लेके और इस तरीके से लगाना है जिससे कि हमें एक शाइन प्रोवाइड मिल जाए, शाइन अच्छे से आ जाए थोड़ा सा, और जो हमने प्रोडक्ट अगर यूज किया है आप लोगों ने या मैंने तो वो सेट हो जाए। अब सेम हमें अपने इसे आईलैशेस पे भी लगाना है कुछ इस तरीके से,
इससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको एकदम ऐसा ही लगेगा कि आपने एक मस्कारा लगाया है। मस्कारा नहीं लगाया, स्टिल मेरी आईलैशेस काफी ज्यादा नेचुरल और एकदम लिफ्टेड लग रही हैं। तो यही एक हैक है, बाकी हम इसको अपने स्किन के ऊपर यहाँ पे भी एज अ शाइन के लिए लगा सकते हैं, थोड़ा सा एज अ हाइलाइटर ही काम करेगा और स्किन केयर प्रोडक्ट है तो काफी अच्छा है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, आप कोई भी नेचुरल टिंट अपने फेस पे एज अ चिक्स पे लगा सकते हैं, नेचुरल टिंट कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत ही नेचुरल होता है ये, मार्केट में आपको इजिली अवेलेबल भी है, ये आप DIY करके बना सकते हैं। अभी मेरे पास खत्म हो चुका है, मैं DIY करके इसको मैंने बनाया था लेकिन मेरे पास अभी खत्म हो चुका है। इस तरीके की छोटी सी बॉटल में आप इसको भर लीजिए, बीटरूट का आपको जूस लेना है वो निकाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल और थोड़ा सा ग्लिसरीन मिक्स कर दीजिए और इस तरीके से आप इसको पंप करके अपने स्किन पे लगा सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी, यहाँ पे टिंटेड लिप बाम ले सकते हैं, तो इस तरीके का ये है, मैं थोड़ा फिंगर में ही मैं लूंगी इस तरीके से और एज अ ब्लश मुझे इसको लगाना है। यह हमारा प्रॉपर स्किन केयर कह सकते हैं, हमारा नेचुरल मेकअप आप कह सकते हैं, वो कंप्लीट होता है। अब हम हमारी मूव करते हैं हेयर के लिए, कि हेयर के लिए आप क्या कर सकते हो। तो आप, मैंने अच्छे से अपने हेयर को वॉश कर लिया है, कॉम कर लिया है लेकिन थोड़े से फिजी मेरे हेयर हो चुके हैं। फिर यूज करूँगी लॉरियल का ये टोटल रिपेयर 5, ये काफ़ी अच्छा सीरम है, बस इसका एक ड्रॉप ही काफ़ी होता है, इस तरीके का एक ड्रॉप काफ़ी होता है। इसको अच्छे से रब करिए और अपने बालों में इस तरीके से लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा ये आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके के काफी अच्छे हेयर मेरे हो गए हैं लॉरियल सीरम लगाने से। आपके हेयर हो चुके हैं, आपका स्किन केयर हो चुका है, अच्छे से ड्रेसअप होइए, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स पहन लीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये मेरा फाइनल लुक था। आई होप कि आपको ये पूरा स्किन केयर, ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है, पसंद आता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और किस तरीके के वीडियोस आप मेरे चैनल पे और देखना चाहते हैं, कोई भी मेकअप वीडियो, स्टाइलिंग वीडियो, स्किन केयर से रिलेटेड है, हेयर केयर से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। इंस्टा पे जरूर फॉलो करना, मेरा इंस्टा हैंडल है चेंज एक्सप्रेस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।